तो फ्रेंड्स चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटिव। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे पास होंडा कंपनी का एसपी 125 सीसी BS6 और F5 वाली वेरिएंट बाइक है। और इस बाइक में ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि आप लोगों को बतलाएंगे तो आप लोग भी शॉर्ट कर जाएगा कि इस बाइक में ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया है। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि BS6 बाइक जिस किसी भी कस्टमर के पास होगा वो इतना स्टेप जरूर समझ पाए कि BS6 बाइक में क्या प्रॉब्लम है कंपनी की तरफ से। इस चीज़ को कंपनी को सेफ करना चाहिए या नहीं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि देखिए इस बाइक में प्रॉब्लम क्या है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको दिखला देखिए बाइक कितना किलोमीटर चला हुआ है। ये बाइक अभी 15,200 किलोमीटर चला हुआ बाइक है। होंडा कंपनी का SP125 CC बाइक है और यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्यूल लेवल बिल्कुल कम दिख रहा है, जबकि इस बाइक के अंदर कस्टमर का कहना है इस बाइक में हमने परसों एक टंकी फ्यूल भरवाए फ्यूल पंप पे पेट्रोल पंप पे, इस बाइक के अंदर फुल टंकी पेट्रोल भरवाए। लेकिन देखिए इस बाइक में सुबह होते होते इस बाइक से पेट्रोल कहाँ गायब हो गया, क्योंकि कंपनी की तरफ से रिकमेंड है कि BS6 बाइक फुल्ली सेफ है, इससे पेट्रोल चोरी होने का बिल्कुल चांसेज नहीं बनता है। इस बाइक से कैसे पेट्रोल चोरी हो गया ये हम आपको बतला रहे, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं तेल दिखला रहा है वो भी इस बाइक के अंदर हमने फ्यूल ला करके पेट्रोल ला करके डाले हैं, उसके बाद ही इस बाइक में 1 पॉइंट फ्यूल दिखला रहा है, उसके बाद नहीं तो इसमें 0 दिखला रहा था। यहाँ पे देख रहे हैं बाइक से 2 ठो फ्यूल टैंक से पाइप आ रहा है और ये इस बाइक का फ्यूल मोटर है फ्यूल पम्प है। आप यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारा BS6 बाइक में ये फ्यूल पंप फ्यूल मोटर जो है ये फ्यूल टैंक के अंदर ही इंस्टॉल किया गया है। पहले इस साइड पैनल को ओपन कर लेते हैं, देखिए इस बाइक में हुआ क्या। इस बाइक का सबसे पहले तो आपको हम कस्टमर से ही बात करवा रहे हैं डायरेक्ट, इस बाइक में ये बाइक का कस्टमर है जो बाइक मेरे पास लेकर के आया था और इस बाइक में क्या प्रॉब्लम हो गया आप ही थोड़ा बतलाइए भैया इसको। मेरी गाड़ी जो है दरअसल मेरी गाड़ी मेरे ऑफिस के बाहर लगी हुई थी, जब हम स्टार्ट करने गए तो स्टार्ट नहीं हो रहा था तो हमने मैकेनिक को बुलाया, मैकेनिक ने देखा कि इसका फ्यूल नहीं दिखा रहा था इंडिकेट नहीं कर रहा था, तो हमें तो पता था कि BS6 गाड़ी है जो कि कभी इसमें से फ्यूल की चोरी नहीं हो सकती, पर उसने बोला कि इसमें से फ्यूल निकाल लिया गया है। तो हम फ्यूल लेकर आए तो डाले तो फिर ये स्टार्ट हुआ, इसके बाद हम अपना गाड़ी इनके पास लेकर आए दिखाने के लिए कि भाई देखिए एक्चुअल में इसमें निकाला जा सकता है या नहीं। मेरे हिसाब से तो हमें लग रहा था कि BS6 में से कभी भी फ्यूल की चोरी नहीं की जा सकती है, पर इनके पास आने से हमको अब विश्वास हो गया है कि BS6 में फ्यूल का कोई गारंटी नहीं है कि ये सेफ रहेगा या किसी के द्वारा चोरी कर लिया जाएगा। अब बाइक जो है खड़ी करने के बाद कैसे चोरी कर लिया जाता है फ्यूल ये तो अब मैकेनिक ही बताएगा। तो चलिए देखिए अभी एक कस्टमर से तो बात हो गया कि कैसे इस बाइक से फ्यूल चोरी हो गया, अब हम आपको बता रहे हैं इस बाइक से कैसे फ्यूल चोरी कर लिया गया था। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं कस्टमर ने क्या बताया कि बाइक से अंदर से फ्यूल चोरी हो गया, वो भी ऑफिस के बाहर बाइक लगा था। ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ भी आ सकता है, क्योंकि देखिए ये पाइप है ये मोटा वाला पाइप आपको एक दिख रहा होगा डायरेक्ट फ्यूल टैंक से आ रहा है फ्यूल पंप में, और ये जो पतला वाला एक पाइप आपको दिख रहा है ये जो बाकी का जो फ्यूल बच जाता है फ्यूल इंजेक्टर को देने के बाद वो फ्यूल रिटर्निंग चला जाता है फ्यूल टैंक के अंदर। पर यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या क्या है कंपनी ने, यह हम आपको बताएं। सबसे पहले तो पाइप अगर देना ही था कंपनी को तो मोटा वाला पाइप देता थोड़ा अच्छा देता, ये देख रहे हैं आप कैसे दब रहा है ये पाइप, और यहाँ पे कोई अच्छा लक दिया रहा था, ये लक देख रहे हैं आप लक ऊपर किया गया है, इस फ्यूल चोरी करने के लिए लक को ऊपर कर दिया गया है और इस पाइप को यहाँ से बाहर निकाल लिया है। बहुत दिमाग लगा के यहाँ से बाइक के अंदर से फ्यूल चोरी किया है, इस लक को खुला ही छोड़ दिया है और इस पंप आधे सेटिंग था फ्यूल पंप के अंदर, जब बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था जब कस्टमर मेरे पास लेकर आया था इसमें, तो हमने फ्यूल डाल करके इस पंप को सेटिंग करके बाइक को पहले स्टार्ट करके चेकअप किए थे, क्योंकि फ्यूल सचने के बाद ये आप लोग भी जानते हैं कि ये फ्यूल पंप खराब होने का चांसेज रहता है, फ्यूल पंप खराब हो जाता है। अभी हम देखिए पेट्रोल कैसे चोरी होता है, अभी बाइक का देखिए इग्निशन भी ऑफ है, इस बाइक का इग्निशन चाबी जो है मेरे पास है इग्निशन ऑफ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इग्निशन ऑफ है, जबकि BS6 बाइक में बिना इग्निशन ऑन किए आप फ्यूल बाहर नहीं निकाल सकते, वो भी
5 से 10 सेकंड के लिए ही फ्यूल बाहर निकलेगा जब फ्यूल पंप वर्क करेगा, वो भी फ्यूल इंजेक्टर के इंजेक्टर से ही। उसके बाद आप फ्यूल नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन इस बाइक का देखिए, चाबी मेरे पास है, इग्निशन ऑफ है, तो फ्रेंड देखिए ये मेरे पास व्हाइट सा डिब्बी दिखा है, और इस पंप को जैसे हम बाहर निकालेंगे फ्यूल बाहर आने लगा। देखिए देखिए फ्यूल बाहर आ रहा है, थोड़ा दूर से दिखलाऊं, देखिए फ्यूल कैसे बाहर आ रहा है, यहाँ पे कितना तेजी में फ्यूल बाहर निकल रहा है, आप देख रहे हैं। 20 से 25 सेकंड में इस बाइक से फ्यूल बाहर निकल जाएगा, आप देख रहे हैं। इस बाइक में बहुत कम ही हम पेट्रोल डाले हुए थे, फ्यूल डाले थे, अभी इस बाइक में फ्यूल टैंक के अंदर से देखिए टोटल पेट्रोल बूंद बूंद करके बाहर निकल गया। देखिए कंपनी का रिकमेंड है कि BS6 बाइक बिल्कुल सेफ है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं इस बाइक के अंदर टोटल फ्यूल बाहर निकल गया। पेट्रोल निकालने का, पेट्रोल चोरी करने का इससे अच्छा सुविधा क्या मिल सकता है BS6 बाइक में। आपके सामने ये है फ्यूल, आप देख रहे हैं कितना अच्छा से फ्यूल बाहर निकल गया, वो भी बिना इग्निशन ऑन की। आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए बाइक के अंदर से कितना फ्यूल निकला है। अगर एक टंकी इसके अंदर फ्यूल रहता है, फ्यूल एक फ्यूल टंकी भरा हुआ रहता, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे एक मिनट आपको लग जाता पूरा टंकी खाली करने में। एक मिनट में बाइक के अंदर से पूरा टंकी खाली हो जाएगा, फ्यूल पूरा बाहर निकल। अब आप ही कमेंट बॉक्स में बतलाइए कि BS6 बाइक ये क्या सेफ किया गया है कंपनी की तरफ से। अगर आप लोग ही कमेंट कीजिए मेरा वीडियो कैसा लगा, बाइक क्या सेफ है कंपनी की तरफ से, क्या सेफ नहीं है। मान लीजिए अगर ये फ्यूल पंप इसके अंदर लगा रहता उस टाइम क्या होता। तो फ्रेंड्स मैं इस कंपनी से एक ही रिकमेंड करना चाहता हूँ, अगर आप फ्यूल पंप को इस फ्यूल टैंक के अंदर अगर इंस्टॉल कर दें तो बहुत ही बेहतर रहेगा, बहुत ही बेहतर रहेगा। कि पेट्रोल भर दे वो भी एक से डेढ़ मिनट में पूरा टंकी खाली हो जाएगा, इसके अंदर तो फ्यूल नहीं है। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर